हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और ये है वीडियो नंबर 2 क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सेशन 2021-22 के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बातचीत करेंगे और क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, वो ये सारी चीज़ें हैं। हम इस वीडियो में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम से जुड़े हुए, वो हम लोग पढ़ेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में डिफरेंस क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है, GVA क्या होता है, NIT क्या होता है और NFIA क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो गाइस, बातचीत करते हैं नेशनल इनकम से जुड़े हुए कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की। तो उसमें जो सबसे पहली बात आती है, वो बात आएगी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी की। जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग थोड़ा सा डिफर हो जाता है। इन जनरली हम ये डोमेस्टिक टेरिटरी की हम बात करते हैं, इट मीन्स हम एक पॉलिटिकल टेरिटरी की बात करते हैं, हम लोग एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं इंडिया की, हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है। इन जनरल जब भी हम ज्योग्राफिकली हम बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे भाई ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इट डज नॉट ओनली मीन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। इसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अलावा और भी चीज़ें शामिल है। तो वो चीज़ें क्या शामिल है, इसलिए इसको आप डोमेस्टिक टेरिटरी की जगह इसको आप इकोनॉमिक टेरिटरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक टेरिटरी इट मीन्स व्हाट, इकोनॉमिक टेरिटरी इट मीन्स द पॉलिटिकल बाउंड्री इज देयर। पॉलिटिकल बाउंड्री तो है ही सही, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें जुड़ेगी और कुछ चीज़ें माइनस होगी। जैसे कि जो हमारा सी वाला जो एरिया है, इसमें जितने भी हमारे जहाज वगैरह जो चल रहे हैं, हमारे जितनी सी ऑपरेट हो रही है, जो जहाज वगैरह हमारे चल रहे हैं, वो भी इसमें काउंट होंगे। इसके अलावा जो हमारी एयरलाइंस वगैरह जो हैं, है ना, जो एयरलाइंस वगैरह विदेशों में कहीं भी जा रही है एयरलाइंस जो है, तो वो भी इसमें काउंट होगी। ठीक है, तो एयरलाइंस वगैरह है वो हमें इसमें काउंट होगी, जहाज वगैरह जो हमारे चल रहे हैं जहाँ जहाँ तक ऑपरेट हो रहे हैं, वो भी इसमें काउंट होंगे इकोनॉमिक टेरिटरी में। इसके अलावा एक और चीज़ ये है एम्बेसीज, है ना, मतलब जैसे हम हिंदी बोले तो राजदूत। तो जो एम्बेसीज है, कंसुलेट्स है, मतलब जो हमारे देश के प्रतिनिधि जो दूसरे देशों में जाकर के जिनके ऑफिसेस हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा जो राजदूत है, मान लीजिए ये चाइना में है, तो हम जो हमारी एम्बेसी जो चाइना में है, वो भी हमारी टेरिटरी में काउंट होगी। ठीक है, या हमारी एम्बेसी मान लीजिए इधर अमेरिका बहुत दूर है इधर, तो अमेरिका में मान लीजिए हमारी एम्बेसी है, तो अमेरिका में एम्बेसी है, तो वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट होगी, है ना। इसके अलावा जो इनके एम्बेसी से, चाइना के एम्बेसी भी हमारे यहाँ पर होगी, अमेरिका की एम्बेसी हमारे यहाँ होगी, तो उसको हमें एक्सक्लूड करना है, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, उसको मतलब हमारी टेरिटरी में काउंट नहीं होगा वो। ठीक है, यानी कि जैसे कि जो वहाँ के जो एम्बेसी, जैसे चाइना की एम्बेसी है इंडिया के अंदर, लेकिन उनको मिलने वाली सैलरी, इनकी इनकम वगैरह, इन सबसे अपने कोई मतलब नहीं है, वो हमारे टेरिटरी में काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक टेरिटरी का मीन्स ये हुआ कि जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, उसके अलावा जो हमारा सी वाला एरिया है, हमारा जो जो एयर वाला एरिया है, और इसके अलावा जो हमारे कॉन्सुलेट्स वगैरह है जो विदेशों में, वो सबकी इनकम वगैरह, इन सबको भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक, तो इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इससे मतलब क्या है, इससे मतलब ये है कि देखिए, जैसे हम आप लोग बार बार नाम सुनते होंगे जीडीपी। अब जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो हम लोग सीखेंगे ही सही, लेकिन जीडीपी में एक डी आता है यहाँ पर, डोमेस्टिक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डोमेस्टिक से मतलब ये इकोनॉमिक टेरिटरी है। ठीक है, इस इकोनॉमिक टेरिटरी को हम काउंट कर रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक का मतलब कि भाई एक देश में होने वाली इनकम, तो एक देश में होने वाली इनकम तो इसमें क्या क्या काउंट करेंगे, क्या हमारे एयर वाली इनकम काउंट होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी। जहाज़ों में जो हमारा माल वगैरह जा रहा आ रहा है वो काउंट होगा, हाँ होगा। जो हमारे एम्बेसी विदेशों में होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी। जो एम्बेसी विदेशों की हमारे यहाँ पर है उसको हम काउंट करेंगे नहीं करेंगे, ये कंक्लूजन इससे निकल जाएगा। ठीक, तो ये था डोमेस्टिक टेरिटरी, या हम कहेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी किसको बोलेंगे। ठीक है, ये बात हमारी खत्म हुई। अब हम आगे बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स।
नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट इट मीन द पर्सन हु रिसाइड इन अ कंट्री फॉर मोर देन वन ईयर। एक कोई व्यक्ति है जो किसी कंट्री में एक साल से ज्यादा टाइम से रह रहा हो, वो उस देश का रेसिडेंट कहलाता है। ठीक, अब हम आ जाते सीधे बात पर कि रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है। सिटीजनशिप बाय बर्थ आती है या फिर बाय लॉ आती है। जैसे कि मैं इस देश का सिटीजन भी हूँ और मैं इस देश का रेसिडेंट भी हूँ, क्योंकि मैं इसी देश में रह रहा हूँ बहुत लंबे समय से, यहीं मेरा जो मेरा रोजगार वगैरह है वो भी यहीं पर है और मैं रहता भी यहीं पर, तो मैं इस देश का रेसिडेंट तो हूँ ही सही। इसके अलावा मैं सिटीजन भी यहीं का हूँ, मैं इंडियन हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं कल से अमेरिका चला गया, वैसे जाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन मान लो चला गया तो मैं अमेरिका चला जाऊंगा, तो मैं अमेरिका जाने के बाद क्या रहूंगा? मैं इंडियन तो रहूंगा, है ना। और मान लीजिए अमेरिका में वहीं जाकर बस गया, मैं वहीं मेरा मतलब मान लीजिए वहीं की नई जॉब लग गई और मैं वहीं काम कर रहा हूँ, तो अमेरिका का मैं रेसिडेंट जरूर बन जाऊंगा, लेकिन सिटीजन में कहाँ का रहूंगा? सिटीजन में इंडिया का ही रहूंगा। ठीक, हाँ, यदि मान लो कभी वहाँ की गवर्नमेंट मुझ पर खुश होकर के मुझे यदि मान लीजिए वहाँ की सिटीजनशिप ऑफर कर देती है तो फिर बात अलग है। जैसे अक्षय कुमार की बात आती है कि भाई वो कनाडा की सिटीजनशिप उनको सम्मान के तौर पर मिली हुई है, तो वो फिर बात अलग है, वो फिर आपको बाई लॉ जो है सिटीजनशिप मिल गई। ठीक, यूजुअली जो व्यक्ति जहाँ पैदा हुआ है वो वहाँ का सिटीजन हो गया। ठीक है, जैसे हम इंडिया में पैदा हुए तो हम इंडियंस, भले हम विदेश कहीं भी जाकर के रहें। और जो व्यक्ति जिस देश में रह रहा है, रिसाइड द पर्सन हु रिसाइड इन अ कंट्री, तो रेसिडेंट, ठीक, रहवासी। ठीक, तो रहवासी को हमें कंसिडर करना है। नेशनल इनकम जो होती है, नेशनल इनकम, अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं कि आप लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट की हम नेशनल इनकम बोल दे, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम इट मीन्स द इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? जो इस कंट्री में रह रहा हो, वो किसी भी देश में पैदा हुआ हो, वो कहीं का भी सिटीजन हो, इट डजेंट मैटर, वो इस देश में रह रहा है या इस देश में रहते हुए एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया उसको, या उस देश में रह रहा है और इस पर्पस से रह रहा है कि उसको यहीं पर अभी उसका रोजगार वगैरह सब कुछ है, तो उसको रेसिडेंट की तरह काउंट किया जाएगा। ठीक, तो रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस होता है, वो क्लियर हो गई बात। अब आगे हम बात करते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इट मीन्स द अर्न इनकम। अब फैक्टर इनकम को हम अर्न इनकम क्यों बोलते हैं? हम लोगों ने पिछली बार जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा होगा। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि भाई हम जो लेबर प्रोवाइड करते हैं या कैपिटल प्रोवाइड करते हैं या हम जो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसके बदले में हमें इनकम मिलती है ना। जैसे हमने कैपिटल प्रोवाइड की तो हमको जो है इंटरेस्ट मिलेगा, हमने किसी को मकान दिया तो उस पर हमको किराया मिलेगा, है ना। हम किसी के यहाँ मतलब काम कर रहे हैं उसके लिए तो हमें सैलरी या वेजेस मिलेगा। तो हम कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमको फैक्टर इनकम मिल रही है, तो हमें इनकम हो रही है, तो ऐसी इनकम को फैक्टर इनकम बोलेंगे, बिकॉज वो हमें मिल रही है फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के बदले में, इसलिए उसको हम फैक्टर इनकम बोलेंगे। जैसे कि रेंट फैक्टर इनकम है, रॉयल्टी फैक्टर इनकम है, इंटरेस्ट फैक्टर इनकम है, रेंट जो है फैक्टर इनकम है। ठीक, ट्रांसफर इनकम इट मीन जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा रही है लेकिन उसके बदले में वो कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जैसे कि किसी को दान मिला, तो दान मिला तो दान के बदले में कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना। किसी को स्कॉलरशिप मिली तो उसने उसके लिए कोई काम वापस कुछ करके दिया नहीं है। हाँ, भला हो रहा कि ना हो रहा वो अलग बात है, लेकिन उसको कोई जिसने भी उसको दिया है उसके बदले में उसने कुछ काम नहीं किया या उसके बदले में उसको कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए, तो ऐसी इनकम को हम ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। जैसे डोनेशन है ना, स्कॉलरशिप है, सब्सिडी है ना। सब्सिडी के लिए कौन सा आप काम कर रहे हैं? तो सब्सिडी है, ये सब क्या है? ट्रांसफर इनकम है। ये सब क्या है? ट्रांसफर इनकम है। अब ये ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम हमें कहाँ काम आएगी? भाई हम जब बोलते हैं कि नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री।
तो फैक्टर इनकम अर्न जो नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न किए उसी टोटल का नाम नेशनल इनकम है। इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे आपने नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि नॉर्मल रेसिडेंट होता कौन है, फैक्टर इनकम होती क्या है, ये सब। ट्रांसफर इनकम क्यों पता कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। वो आगे की बात हो गई, नेशनल इनकम के बाद डिस्पोजेबल इनकम। भाई आपने कमाया हो या दान में मिला हो या डोनेशन में मिला हो या सब्सिडी के थ्रू मिला हो, किसी थ्रू मिला हो, आपके पास पैसा आया तो डिस्पोज आप कर सकते हैं ना। तो डिस्पोजेबल इनकम काउंट करने के लिए ट्रांसफर इनकम की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक। तो अभी तक यही चीजें डिस्कस हम बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें जीवीए की, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड इट मीन्स वॉट, मान लीजिए ये पेन है। अब ये पेन है, इस पेन को बनाने में प्लास्टिक लगी होगी, तो प्लास्टिक लगी होगी जितना भी रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें हैं, मान लेते हैं कि वो लगा आपको 15 रुपये का, ठीक। और इस पेन की जो प्राइस है वो है 25 रुपये, यानी कि 15 रुपये की चीज़ को हमने कितने में कन्वर्ट कर दिया, हमने 25 रुपये कन्वर्ट कर दिया। तो जो वैल्यू एडिशन हुआ, या इसको आप ग्रोस वैल्यू एडिशन बोल दें, वो कितने का हुआ, वो हुआ 10 रुपीज़ का, ठीक। तो वैल्यू एडिशन इट मीन्स कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की कितनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, या वो चीज़ का फॉर्म चेंज करने से उसकी वैल्यू में कितना जो है कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक। तो वैल्यू एडिशन इसको बोलते हैं। अब इसको हम सीधे प्रोडक्शन से हम जोड़े यदि, तो देखिए कोई भी चीज़ जो है शुरुआत तो जीरो से ही होती है, और फिर धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू में एडिशन होता लग जाता है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे किसान है, अब वो किसान ने 1,000 रुपये का गेहूं बेचा है ना। अब 1,000 रुपये गेहूं बेचा किसको, कोई फ्लोर बना मतलब आटे आटे की मिल वाला है, उसने 1,500 रुपये में इसको खरीदा। इस 1,500 रुपये की चीज़ को बिस्किट की फैक्ट्री वाले ने जो है 3,000 रुपये में, मतलब 3,000 रुपये इसकी वैल्यू बना दिया, इसने 1,500 में खरीदा और 3,000 में बेच रहा है, वो बिस्किट जो है बेच रहा है 3,000 रुपये में। तो यहाँ वैल्यू एडिशन कितना हुआ, यहाँ वैल्यू एडिशन हुआ 500 रुपये का, यहाँ वैल्यू एडिशन हुआ कितने का, 1,500 रुपये का, ठीक। और यदि हम देखा जाए, यदि इसको मैं शुरुआत से मान लेता हूँ कि ये 0 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था, तो ये 1,000 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ। यानी कि हम हर लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, हर लेवल पर होने वाला जो वैल्यू एडिशन है उसको यदि हम प्लस कर देंगे, जैसे कि ये 1,000, ये 500 और ये 1,500, इसको हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम प्लस कर देंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी। फाइनल वैल्यू कितनी है, 3,000, कि कोई भी चीज़ प्रोडक्शन कितना हुआ टोटल मिलाकर के हुआ है 3,000 का। तो वैल्यू एडिशन के थ्रू हम टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जैसे हम जीडीपी कैलकुलेट करना है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है, इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका वैल्यू एडिशन भी हो सकता है, कि हम हर इंडस्ट्रीज ने कितना वैल्यू एडिशन किया है उसको हम प्लस कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे देश में एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो वैल्यू एडिशन फिलहाल क्या है, इतना समझे हम कि इनपुट आउटपुट में से इनपुट को माइनस करें तो वैल्यू एडिशन आ जाएगा, ठीक है। आगे ये चीज़ें आएगी इसी नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट है एनआईटी। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इट मीन्स ये, देखिए एक तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स, मतलब जो पब्लिक है, पब्लिक से गवर्नमेंट जो है टैक्स लेती है, और इसी और जो है गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है। अब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स जो है, मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स यानी जैसे जीएसटी, जो चीज़ों पे लगने वाला टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, बिजनेसमैन के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स मान लीजिए गवर्नमेंट ने वसूल किया 2,000 करोड़ का, और सब्सिडीज जो है वो दी 500 करोड़ की, तो अल्टीमेटली एनआईटी कितना हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1,500 रुपये। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक। फिर आपका एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फॉरेन सेक्टर से होने वाली इनकम में से, या फॉरेन सेक्टर से हुई इनकम में से फॉरेन सेक्टर को गई इनकम को माइनस कर दे। इट मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलेगा, ठीक है।
विदेशों से होने वाली इनकम में से विदेशों को गई इनकम को माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा, NFI आ जाएगा। ये आपको कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा आपको GDP से जो है, GDP और नेशनल इनकम के बीच में क्या कनेक्शन है इसको बताने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि GDP, GNP, NNP इन सब के बीच में कनेक्शन क्या है। आई होप कि आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं हमने डिस्कस की है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, और नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में आप बने रहें तो सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट के थ्रू जाएं, तो प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस से वीडियो मिलेंगे। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।